हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल लेकर आया हूँ। द नेशनल बर्ड, जो राष्ट्रीय पक्षी है अपना, जो मोर, उसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, छोटी सी जानकारी है। उसको आज हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करें हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। द ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मीनिंग देखते हैं, ब्यूटीफुल, सुंदर, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, पीकॉक, पीकॉक का माना मोर, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। द ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यानी कि जो सुंदर है, आकर्षक है मोर, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। This bird has an important place in the stories, literature and culture. जो है बर्ड है मोर, उसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है, important place यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है, काय में है, stories, कहानियों में, literature, साहित्य में, और कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति में। इस पक्षी का, इस मोर का जो है महत्वपूर्ण स्थान है हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, कहानियों में मोर का महत्वपूर्ण स्थान है। द डांसिंग पीकॉक, डांस यानी नाचना, डांसिंग पीकॉक यानी नाचता हुआ मोर, स्पेशली इन द रेनी सीजन, काय की बात हो रही, स्पेशली यानी खास तौर पर, स्पेशली यानी खास तौर पर, इन द रेनी सीजन यानी कि बारिश के समय में, द डांसिंग पीकॉक जो है नाचता हुआ मोर खास तौर पर बरसात की सीजन में इज वर्थ वॉचिंग। वर्थ वॉचिंग का मतलब होता है देखने लायक, वर्थ वॉचिंग का मीन्स होता है देखने लायक। जो नाचता हुआ मोर है खास तौर पर बारिश के सीजन में, इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, इज वर्थ वॉचिंग, देखने लायक है। द पीकॉक is fully protected. The Indian Wildlife Protection Act 1972. जो मोर है पूरी तरह से भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1970 के तहत संरक्षित है। अर्थ बताते तो मैं एक का पीकॉक यानी मोर फुली यानी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड यानी कि संरक्षण या रक्षा करना, अंडर द इंडियन यानी कि भारतीय, सॉरी, अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन यानी कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट यानी कि कानून 1972 यानी कि 1972 है, 1972 में जो कानून बना था उसके तहत मोर को, मोर का संरक्षण करना एक कानून बनाया गया 1970 के में। इट्स हंटिंग इज अ पनिशेबल क्राइम। हंटिंग हंट यानी शिकार करना, हंटिंग यानी शिकार करना, पनिशेबल यानी कि दंडनीय, सजा योग्य, क्राइम यानी अपराध है। तो मोर का अपराध करना दंडनीय, सॉरी, मोर का शिकार करना, मैंने अपराध बोल दिया, मोर का शिकार करना दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।